तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉगर पोस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप कैसे उसमें हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग या फिर पैराग्राफ टैग को का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर ये टैग्स अगर रहते हैं तो क्या होता है, गूगल अच्छे से आपके कंटेंट को रिकॉग्नाइज कर पाता है और उससे अच्छे से रैंक करा पाता है। यानी कि आपका जो टॉप 10 या फिर जो फर्स्ट पेज में, गूगल का फर्स्ट पेज में, सर्च पेज पर आपका कंटेंट रैंक करेगा। तो आपको कैसे ये हेडिंग या फिर सब हेडिंग या फिर मेजर हेडिंग या फिर माइनर हेडिंग या फिर पैराग्राफ टैग वाले कंटेंट को कैसे लिखेंगे, तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसे आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे मैंने सब स्टेप बाय स्टेप बताया है, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ से ऊपर जो भी है पढ़ लीजिए, बाकी का मैं सिर्फ जो कोड वाला पोर्शन में हूँ आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं दो मेथड बताने जा रहा हूँ। एक है ब्लॉगर का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसमें आप कैसे लिख सकते हैं पोस्ट को ये टैग्स का इस्तेमाल करके, मेजर हेड या फिर H1, H2, H3 इस तरह का टैग्स का इस्तेमाल करके। एक है जो मैं इस्तेमाल करूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो हेडिंग है वो थोड़ा कलरफुल है और थोड़ा कस्टमाइज है। तो आप इस तरह के हेडर्स कैसे बना सकते हैं या फिर जो ब्लॉगर में डिफ़ॉल्ट आते हैं वो कैसे बना सकते हैं, मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में आना है, वहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो किस मोड पे है। अगर वो कंपोज व्यू पे है तो आप उसे क्या करें, HTML व्यू में स्विच कर दें। स्विच करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कोड दिख रहा है उसे आप सेलेक्ट करके रिमूव कर दें या फिर डिलीट कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपने पोस्ट पे H1 टैग या फिर मेजर हेडिंग लिखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सबसे पहला वाला कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है कंट्रोल सी से। फिर आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है, ब्लॉगर डैशबोर्ड में, और आपको इस HTML व्यू में ही आपको ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले हम हेडिंग नहीं लिख सकते, तो क्या है कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। तो आपको जो मर्जी जहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 10 नंबर पॉइंट है वहाँ से मैं पैराग्राफ का जो कोड है, डिफ़ॉल्ट कोड, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, H1 से पहले, यहाँ पे जो H1 था उससे पहले मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको पैराग्राफ लिखना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे अगर आप फर्स्ट में हेडिंग लिख देंगे तो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इस पोर्शन में हेडिंग का ही नाम आएगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखना है जो इस पोस्ट के बारे में हो, ताकि लोगों को पढ़ के लगे कि हाँ इसके अंदर ये कंटेंट है, बाहर से जो दिख रहा है। तो इस पोर्शन को लिखने के लिए आपको एक पैराग्राफ ऐड करना होगा सबसे पहले। तो उसके लिए आप, मैंने यहाँ पे क्या किया, पैराग्राफ का कोड कॉपी करके डाल दिया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट हेयर। टेक्स्ट हेयर के लिए मैं अभी यहाँ कोई पोस्ट लिखने वाला नहीं हूँ, बस कॉपी और पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, वापस इस पोस्ट में जा रहा हूँ, ये टेक्स्ट हेयर का जो भी पार्ट है उसमें को उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो उसको यहाँ से हटाया और मैंने जो कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर दिया। यानी कि अब मेरा जो पैराग्राफ था पहला वाला वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसके नीचे कोई हेडिंग लगानी है, तो मैंने हेडिंग का कोड पहले से ही कॉपी करके पेस्ट कर रखा है। तो मान लीजिए मैं हेडिंग लगा देता हूँ, कुछ भी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हेडर पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हेयर है, इसमें जो टेक्स्ट हेयर का ऑप्शन है उसको आपको हटाना है, आपने जो कॉपी किया यहाँ पेस्ट करना है। आपकी जो मर्जी यहाँ पे आप हेडिंग का नाम दे सकते हैं। तो ये H1 हेडिंग मैंने दे दिया। इसके बाद फिर से आपको पैराग्राफ लिखना है उस हेडिंग के नीचे में। तो आपको क्या करना है, वापस से साइट पर आना है, वापस से पैराग्राफ वाला सेलेक्ट करके इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे H1 टैग के नीचे आपको एक नए लाइन में जाना है एंटर करके, और वहाँ पे आपको इसे फिर से पेस्ट कर देना है। तो इस बार मैं फिर से यहाँ से कुछ लिखना है मुझे, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से टेक्स्ट कॉपी कर ले रहा हूँ, और फिर वापस मैं इधर आके यहाँ पे जो फिर से टेक्स्ट हेयर का जो ऑप्शन है उसे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से H1, H2, अभी मैंने H1 कंप्लीट कर लिया, उसके नीचे एक पैराग्राफ लिख लिया, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी के कोड के साथ भी करना है। जैसे कि अगर अभी आपको H2 लगाना है तो H2 हेडिंग पे क्लिक कीजिए, उसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे वापस आइए, सब आपको HTML व्यू में ही करना है। तो यहाँ पे वापस H2 वाला टैग को पेस्ट कीजिए, यहाँ आपका जो मन करे हेडिंग दीजिए, जैसे कि मैं आप मान लीजिए ये वाला हेडिंग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से ये टेक्स्ट हेयर के ऑप्शन को रिप्लेस करके जो हेडिंग कॉपी किया मैंने यहाँ डाल दिया। फिर से आपको क्या करना है, इस हेडिंग के लिए कुछ लिखना है तो आपको फिर से पैराग्राफ वाले कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से वापस पैराग्राफ वाला कोड कॉपी कर लीजिए और फिर से यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और फिर से यहाँ पे आपको टेक्स्ट हेयर के ऑप्शन में जाना है, उसको रिप्लेस कर देना है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उससे, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट हेयर को हटाना, अभी मैंने जो कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप H2, H3 जितने कोड है यहाँ पे, आपको जो भी पोर्शन चाहिए, आपको मेजर हेडिंग चाहिए, हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, माइनर हेडिंग चाहिए, या फिर पैराग्राफ का टैग चाहिए, तो यहाँ पे सारे कोड लिखे हुए हैं, आपको जो पोर्शन जहाँ यूज़ करना है यहाँ से आप कॉपी कीजिए और वहाँ का जो टेक्स्ट हेयर का जो ऑप्शन है उसे रिप्लेस करके अपना कंटेंट डाल दीजिए या फिर अपना टेक्स्ट डाल दीजिए। तो ये आगे दिखेगा कैसे, जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो दिखेगा दिखता कैसा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली वापस से यहाँ पर क्लिक करना है और इसको कंपोज व्यू में स्विच कर लेना है। तो आप स्विच करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है, तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है ब्लॉगर का। लेकिन अगर आपको कुछ कस्टमाइज्ड व्यू चाहिए, अगर अच्छा दिखना है, जैसे मैंने ब्लॉगर में ये लिख रखा है, ये सब H1, H2, H3 हेडिंग वाले हैं, तो आप अगर इस तरह के हेडर्स बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको 11 नंबर जो स्टेप है उसमें आ जाना है और यहाँ पर कस्टम हेडर्स के लिए H1 हेडर के लिए कोड दिया हुआ है, कस्टम H2 हेडर के लिए कोड दिया हुआ है, इसी तरह से अलग अलग के लिए दिया हुआ है, तो मैं एक दो करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपको मेजर हेडिंग चाहिए कस्टमाइज वाला, वो भी जो ऑनटेक पे जैसा हेडर आपको दिख रहा है, जैसे कि ये वाला जैसे दिख रहा है, अगर ऐसा चाहिए तो आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, यहाँ से H1 हेडिंग का टेक्स्ट कोड को कॉपी कर लिया है और वापस मैं ब्लॉगर में आ गया। आपको वापस से क्या करना होगा, HTML व्यू स्विच करना है और HTML व्यू में आपको यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ इस हेडर में, कि आपका जो टाइटल देने का मन करे वो आप दे दीजिए, जैसे कस्टमाइज दे देता हूँ मैं, कस्टमाइज, तो ये कस्टमाइज मैंने दे दिया। उसके बाद अगर आपको ऑनटेक पे जैसा पैराग्राफ लिखा हुआ है वैसा हेड पैराग्राफ चाहिए, तो आपको उसके लिए यहाँ पे जो पैराग्राफ का कोड दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेना है और वापस से आके यहाँ पे H1 जो कस्टम H1 हेडिंग था उसके नीचे पेस्ट करना है, और यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट लिखना है जो आपको चाहिए, आप जो लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से वापस कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ आपको, ताकि डेमो दिखा सकूँ। तो मैं वापस यहाँ पे टेक्स्ट हेयर का जो ऑप्शन है उसे रिप्लेस कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो वापस मैं कंपोज व्यू में स्विच कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो है क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉगर की हेडिंग्स होते हैं या फिर सब हेडिंग या फिर माइनर हेडिंग है या फिर पैराग्राफ है, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, बस क्या है कि जब मोबाइल में खोलते हैं तो ये जो इन दोनों के बीच का जो हाइट है ना वो बहुत कम होता है, तो मैंने क्या किया, इसको कस्टमाइज़ करके थोड़ा गैप बढ़ा दिया है और ये जो हेडर है उसको क्या किया है, उसका बैकग्राउंड को कलरफुल कर दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। तो अगर आप ये कस्टमाइज वाला हेडर लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो स्टेप 11 के बाद जितने कोड दिए हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपना पोस्ट लिख सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट हेडर चाहिए तो स्टेप 6 से स्टेप 10 तक जितने कोड दिए हुए हैं उन सारे कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट को अच्छे से लिख सकते हैं और गूगल आपके कॉन्टेंट को अच्छे से रैंक कराएगा।